हेलो एवरीवन, मेरे गिरी लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो टोपायरी पे है। हम कितने सारे प्लांट की टोपायरी बना सकते हैं तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ हम कितने सारे प्लांट की टोपायरी बना सकते हैं। और आइए लास्ट तक बने रहे इस चैनल पर वीडियो में। और मैंने काफ़ी सारे प्लांट की अलग अलग टोपायरी बना रखी है, मैं आपको आज सारी दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट की बना सकते हैं। वैसे तो सभी प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट अगर उसको हम टोपायरी का कोई लुक दे देते हैं तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक। और देखिए ये शंख पुष्पी का प्लांट होता है, तो ये वैसे तो बहुत सारी प्लांट पर टोपायरी बनाई जाती है, और जो मैंने दिखा बना रखी है वो मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं शंख पुष्पी की दिखाती हूँ आपको, ये कितनी खूबसूरत ये टोपायरी बनी थी मेरी, और अभी भी कितना अच्छा ये इसका लुक है। ये देखिए तो ये ग्रीन भी है और फूल भी कितने खूबसूरत ये दे रही है, ये देखो। तो इसकी टोपायरी भी बना सकते हैं, चाहे ब्लू फ्लोवर वाली हो या वाइट वाली हो, उसकी भी हम बना सकते हैं वाइट वाली। तो ये देखिए मैंने तो इसकी भी बनाई थी, और ये देखो चल रही है अभी भी, और एक वाइट भी बनाई थी, ये देखो इस पर फूल वाइट है, तो इसमें वो दाज लगाए थे, तो ये अभी भी देखो कितनी खूबसूरत है। ये देखो ये दोनों ही टोपायरी मेरे ये चली हुई हैं, और ये मैंने वायर पे ही बनाई थी, ये डबल वायर लगाई थी इसमें, देखो ये वायर पे है तो कितनी खूबसूरत चल रही है। तो इसकी भी हम टोपायरी बना सकते हैं। और देखो मनी प्लांट पे तो हम बनाते ही हैं, तो एक ये मनी प्लांट पे भी मैंने ये बनाई थी, ये देखिए ये भी चल रही है अभी। तो ये दो मनी प्लांट थे, एक इधर से लिया और एक इधर से लिया, बत्तख में ये मनी प्लांट पे भी बनाई थी, तो कितनी खूबसूरत चल रही है। और मनी प्लांट के भी देखो बहुत सारे लुक हम देख सकते हैं। देखो एक लुक मैंने ये बाहर पर ये दिया था, ये देखिए तो ये भी बहुत ही खूबसूरत चल रहा है, तो ऐसा भी लुक दे सकते हैं। सबसे बढ़िया रिजल्ट इसका मिला मुझे, ये वेवी सनरोज है, इस पर फूल भी आता है और बहुत खूबसूरत बनती है इसकी टोपायरी। और ये देखिए कितना ग्रीन, कितनी खूबसूरत लगती है ये देखो कितना खूबसूरत। ये बुद्धाज पे बनाई थी, बुद्धाज को बैठाया था इन पर, और ये देखिए इतना अच्छा ये इसका ग्लॉसी, ये देखो कितना अच्छा लीफ है और कितना शाइनिंग देता है ये ग्रीन, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका हम लोग कोई भी दे सकते हैं किसी भी इसमें, और इसको कहीं से भी, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है, इसको कहीं को भी मोड़ लो कहीं को भी तोड़ लो तो इसका बड़े आराम से बनता है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें ये प्लांट, ये छोटे छोटे इसी के स्टेम आ गए हैं, चाहे तो इनको कट कर दीजिए और चाहे इसमें लगे रहने दीजिए, देखो कितना खूबसूरत लग रही है ये देखिए। और इसमें ये बड़ी बड़ी स्टेम आ गई है, चाहे तो इसी में एडजस्ट कर दीजिए और चाहे यहाँ से ये निकाल दीजिए, तो और भी अच्छी खूबसूरत ये टोपायरी बन जाएगी। तो इसमें देखो नई नई ब्रांच भी आ गई है, कितना खूबसूरत इसका लुक बन गया है ये देखो। तो वेवी सनरोज की ज़रूर बनाएं अगर आपके पास है, तो ये 12 महीने का प्लांट होता है, फूल भी आता है, तो इसको चाहे छाया में रखो या धूप में रखो, ये दोनों में रखा जाता है और बहुत ही सुंदर चलता है ये देखिए। और एक महीने बनाई थी ये देखिए, ये उस पर भी बनाई थी मैंने, ये पोर्च चुलाका पे, ये पर्सनल है तो इस पर भी बहुत सुंदर बनती है। तो ये किसी भी कोई भी मतलब लुक बना सकते हैं इसमें। ये देखिए मैंने तो ये ऐसे स्टैंड में बनाया हुआ था, इस पर चार लगा के चार पांच तो इस तरह से लगाया था, और ये ऊपर ऊपर देखो फैल रही है, और इस पर अभी भी फूल आ रहे हैं देखो ऊपर ऊपर। क्या होता है अगर ऊपर लगाते हैं इसमें ऐसे करके तो ये टोपायरी बनाते हैं तो इसमें ये देखो ख़राब नहीं होती, इसके नीचे गिर के आजकल ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें कोई भी ख़राब नहीं हुआ। देखो ये देखिए सब अच्छे से चल रहे हैं इसमें, जितने भी स्टेम लगी हुई है, और इसमें काफ़ी फूल आते हैं अभी भी आते हैं इसमें, तो ये भी आप बना सकते हैं। ये पर्सनल की है तो इसको भी बना सकते हैं। और देखिए एक मैंने इस पर भी बनाई थी, ये जेड प्लांट, देखो जेड प्लांट का तो बहुत बनाते हैं हम लोग, तो जेड प्लांट की अगर आप बना रहे हैं तो पहले प्लांट लगा लीजिए, उसको तैयार होने दीजिए, और फिर प्लांट के हिसाब से बना दीजिए, जो भी उसका शेप आता जो भी लुक आता तो उसी हिसाब से बनाए। और ये मैंने इसको राउंड शेप दिया था,
लेकिन ये मैंने कटिंग से लगाया था, तो इसलिए ये अब धीरे धीरे ये चलेगा। तो ये हो तो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं कुछ कुछ इसमें, लेकिन जो अगर हम प्लांट की बनाते हैं, लगे हुए प्लांट की, तो वो बहुत अच्छी चलती है। और हम कटिंग से बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसको चलने में, सर्वाइव होने में। चल तो जाएगी, मगर ये बहुत अच्छी रहती है। इसका भी हम बना सकते हैं, इसका तो बहुत तरह तरह की टोपाई बनाई जाती है। तो देखिए मैंने बहुत सारी बनाई है, और वो फ्रेम में भी लगाया था, देखो आपको दिख रहा है, ये बेबी शिमरोज है। और उधर ये देखो, ये इतने सुंदर लगती है, इसकी भी बहुत सुंदर बेबी शिमरोज को तो कैसा भी शेप दे दे, वो हर तरह से अच्छी लगती है। तो देखिए इतने सारे प्लांट की हम बना सकते हैं। ये शंखपुष्पी का जो भी है कलर आपके पास, उसकी बना दीजिए, और कोई भी शेप में मनी प्लांट भी बना दीजिए, और अपने पास ये जेट प्लांट है इसकी भी बना दीजिए, और ये देखिए पर्सनल की भी बना सकते हैं, और ये बेबी शिमरोज की, ये देखिए इतनी सारी तो मेरे पास भी है। और आपके पास जो भी प्लांट है उसका बना सकते हैं, और जैसा प्लांट है उसी हिसाब से उसको शेप दे सकते हैं। और देखिए टोपायरी बनाने के लिए एक ये फाइकस का प्लांट भी बहुत अच्छा आता है। कई तरह के फाइकस आते हैं, वेरीगेट, नॉन वेरीगेट, और भी तरह के आते हैं, तो इसका भी लुक आप बना सकते हैं कोई भी टोपायरी का। तो मैं अभी इसका प्लांट का कोई रूप देने वाली हूँ, अभी मैंने इसका कोई टोपायरी नहीं बनाई है, लेकिन मैं इसकी भी बनाने वाली हूँ, अभी इसे तैयार कर रही हूँ, तो इसका भी हम बना सकते हैं। और देखिए ये कुछ तो डोरमेंसी में चले जाएंगे, कुछ क्या ये परमानेंट प्लांट होते हैं, ये जाते जाते हैं, 2 महीने तो जाते हैं इनकी जो है, ये स्लो हो जाते हैं चलना, जैसे मनी प्लांट है तो ये स्लो हो जाएंगे। तो इसको क्या है, अभी ये कुछ केयर टिप्स हैं, इनको अभी अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको दे सकते हैं। और उन सभी प्लांट में जो भी हमें दिखा रही हूँ आपको, और ये देखिए, और हमें अगर सीड्स चाहिए तो इसके फूल रोक दीजिए, इसको तोड़ना नहीं है, तो हमें सीड्स भी मिल जाएंगे इस समय पे, सीड्स आप रोक सकते हैं। ये देखो मैंने भी रोक दिया है, तो अब मैं कोई भी फूल नहीं तोड़ रही इनके, तो सब लगे हुए हैं। और ब्लू में मेरे कम सीड्स आते हैं, एक ही आया है, और वाइट में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो वाइट में भी मैंने छोड़ दिए हैं और ब्लू में भी छोड़ दिए। आप सीड्स ले सकते हैं इनसे, और इनके एक बार फर्टिलाइज़र दें, और इनकी जो पत्तियाँ पीली वीली हैं सब निकाल दीजिए, जो भी इनकी सूखी हुई स्टेम है वो सब निकाल दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है लुक वाइज। तो मैंने तो ये कर लिया है, आप भी कर सकते हैं ये वाला काम, अगर आपने नहीं बनाई तो बना लीजिए। शंखपुष्पी की तो अब बनाना बेकार है, क्योंकि ये तो डोरमेंसी में चले जाएंगे और ये सूख जाएंगे, फिर ये वापस आएंगे फरवरी में, और हम इनकी पुपसंग ये इसकी बना सकते हैं अभी भी। ये बेबी शिमरोज होता है, इसकी अभी भी हम बना सकते हैं। और एक हम इसकी पर्सनल की भी अब बेकार है, ये भी ये सूख जाएंगे सारे, और हम अब इस समय पे इस भी इसकी भी बना सकते हैं अभी। वैसे भी बरसात में बनाओ तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं, और बरसात में बहुत अच्छी टोपायरी इनकी तैयार हो जाती है, बट अभी प्लांट बड़ा है आपका तो आप बना सकते हैं। और इसकी भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई सा भी मनी प्लांट है तो उसकी भी बना सकते हैं। बस इसके केयर टिप्स ये, अब ज़्यादा पानी वानी नहीं डालना है, और ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र करना है, ये केयर टिप्स हैं थोड़े से। और इनको धूप में अगर रख सकते हैं तो रख दीजिए, थोड़ा धूप भी इन्हें चाहिए, क्योंकि ये फूल वाले प्लांट है। और मनी प्लांट को तो छाया, हल्की सी धूप दे सकते हैं, ये तो छाया वाले ही होते हैं, इंडोर। अगर मेरे बताए गए केयर टिप्स और मेरी टोपायरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।